हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस हियर फर्स्ट टॉपिक टुडे, फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट वाई एन ऑब्जेक्ट डिपेंड, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन पे किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन डिपेंड करता है। तो बेटा सबसे फर्स्ट फैक्टर है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि आपने बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया है। सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट, उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है, ये सेकेंड फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है कोसाइन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है। ये थ्री फैक्टर्स पे वर्क डन डिपेंड करता है। स्टूडेंट नाउ लेट्स नेक्स्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन हियर, पॉजिटिव वर्क क्या होता है। स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव वर्क क्या है, देखिए अगर कोई इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वर्क मस्ट बी पॉजिटिव देन वर्क डन by body is positive, तब वो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब ये कैसे प्रूव होगा कि वो पॉजिटिव वर्क होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर सपोज कीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर फोर्स इस टाइप से लगाया जा रहा है, इस तरीके से यह, और इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन ट्रैवल कर जाती है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन यही है और फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, सेम डायरेक्शन। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा थीटा वो 0 डिग्री का होगा। तब हम यहाँ पे फार्मूला लगा सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 डिग्री। अब फोर्स इंटू एस इंटू कॉस 0 की वैल्यू मैंने अभी डिस्कस की थी आपके साथ कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो स्टूडेंट 1 से मल्टीप्लाई जब एफ इंटू एस से होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव एफ इंटू एस आएगा। अब यहाँ पे वर्क डन जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, कैसा हुआ स्टूडेंट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स जो बॉडी पे अप्लाई किया है और ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस कर जाती है,
तब वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। स्टूडेंट, पॉजिटिव वर्क एक कंडीशन में ये हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 89 तक अगर रहती है, मतलब 0 to 90 degree। 90 यहाँ पे नहीं करना है, 0 90 के समझिए 0 degree है या 90 से कम है, इस टाइप से समझिए सकते हैं। अगर यहाँ पे 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 मतलब 90 से कम है, 0 से 90 से थोड़ा कम है, या कह सकते हैं थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट एंगल है, एक्यूट 0 से एक्यूट है, या 0 हो या एक्यूट एंगल में हो, तो समझिए यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द पॉजिटिव वर्क। नाउ वी डिस्कस हियर एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क, सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, अब पॉजिटिव वर्क का क्या एग्जांपल है स्टूडेंट, सपोज कीजिए ये एक यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, और इस ये टेबल पे एक बुक रखी हुई है यहाँ पर, और मैंने क्या किया यहाँ से फोर्स लगाया और इस बुक को मैंने यहाँ पर ले आया इस जगह पे, तो ये जो बुक है वो यहाँ से डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है, सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 degree का होगा, थीटा 0 degree का होगा। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट वर्क डन जो होगा वो कितना रहेगा, वर्क डन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट व्हेन वी पुश द बुक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या अदर ऑन द टेबल, टेबल पे मैंने क्या किया एक बुक को पुश किया एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तब यहाँ वर्क डन कितना होगा पॉजिटिव। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट है, सेकेंड एग्जांपल, ये सपोज कीजिए एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ओके ये बुक रखी हुई है, अब इसको मैंने क्या किया यहाँ से लिफ्ट करके और यहाँ तक ले आया, ये इस बुक को मैंने लिफ्ट कर लिया ऊपर ले गया, तो डिस्प्लेसमेंट की फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, ओके और 0 रहेगी ऐसे केस में, तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। तो स्टूडेंट ये सेकेंड एग्जांपल है लिफ्टिंग ऑफ बुक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव वर्क।